व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, सफाई का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, कानून व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नशाखोरी पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, गुंडागर्दी रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, गुंडों को संरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चियों व बेटियों को ये देखिए, आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला इशार कमेटी की ओर से जो ये महंगाई बढ़ रही है, जिसमें सब्जियों के जो दाम है, घिया जो 10 रुपए किलो नहीं पूछता वो आज 80 रुपए किलो है, टमाटर किलो है, तमाम जो सब्जियां हैं वो हम देख देख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, और सब्जियों के बगैर आदमी कैसे जिंदा रहता है। दाल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, परिवहन किराया भाड़ा है, इलाज है, बच्चों की शिक्षा है, तमाम चीजें इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों का और खासकर महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया, जिसके रोष में ये हमारा धरना है। इसके अलावा महिलाओं की बच्चियों की सुरक्षा को लेके और कानून व्यवस्था को लेके, सीवरेज की जो ओवर फ्लो है इसको लेके, सांप्रदायिकता के खिलाफ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, इन तमाम मुद्दों को लेके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे, करोड़ों करोड़ खर्च किया है। आज वो छोटी छोटी बच्चियां स्कूल से लेके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां भी, इन्हीं से हम सुरक्षित नहीं है। और आज जो करोड़ों करोड़ स्वच्छता के नाम से जो पैसा खर्च किया, आप किसी भी मोहल्ले में निकल नहीं सकते। आज बहुत महिलाओं के फोन आए कि हमें धरने में आना था लेकिन हम अपनी गली से निकल नहीं सकते हैं, हमारी सीवरेज ओवर फ्लो है। और ये जो तमाम मुद्दों को लेके आज जनवादी महिला समिति का ये रोज धरना है उपायुक्त कार्यालय हिसार पे, जिसको लेके हम अपना रोष व्यक्त करते हैं, अपना ज्ञापन देंगे, और हरियाणा सरकार और शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मनरेगा में काम नहीं मिल रहा आज, जबकि 200 दिन काम मिले, 600 रुपए दिहाड़ी मिले, शहरों में भी लागू हो। रिहायशी प्लाट की बात करते हैं, ये जो मजदूरी करने वाली है 67 साल की महिला घरों में काम करती है, जिसको पोता पोती पाड़ते, इनकी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही, ऐसे वो कंचन किधर गई हमारे बीच में यही है, ये इन महिलाओं की, इनके घर तक एक बार हम आपको ये कहना चाहते हैं, इन लोगों के मोहल्लों में घरों में जाके इनका जीवन देखो, जिसमें अमृत महोत्सव की बात करते हैं ये, हर घर तिरंगा, हर घर लहराएंगे तिरंगे को की शान बान की बात करते हैं, उसको ये बिल्कुल पैरों तले रोंद रहे इन्होंने आज। जाकर जी, जिस मुद्दों को इतने गहराई से मुद्दे आप लेकर के चल रहे, विपक्ष का काम है, विपक्ष भी है हरियाणा के अंदर, तो विपक्ष क्यों नहीं उठा पाता ऐसे मुद्दे? देखिए, आज हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर जनता ही विपक्ष बना, और इस बार हरियाणा के विधानसभा में भी जनता को विपक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि नीतियां वो, इसलिए नेता बदलने से काम नहीं होगा, नीतियां बदलनी पड़ेगी, और हम महिलाएं भी वो जनता हैं, इसलिए जनता की ओर से हमारा विरोध है, क्योंकि हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है नीतियां, महंगाई का है, तमाम चीजें। साग सब्जियों को लेकर के आपने कहा कि महंगाई इतनी हो चुकी है, एक तरफ किसान को फायदा उठाते हैं, फायदा मिल रहा है, साग सब्जियां उसकी बिकती है, एक तरफ आप किसको मानते हैं दोषी महंगाई को? हम ये मानते हैं कि ना तो किसान को पैसा मिल रहा है, वो जो प्याज 5 रुपए किलो भी नहीं बिके आज वो 70 रुपए मिल रहा है, उसी किसान को लेना पड़ रहा है, जो दाल उसकी 60 से 70 रुपए किलो नहीं बिकती आज वही किसान उसी दाल को 150 रुपए लेते हैं। हम इसको सरकार की नीतियों को मानते हैं कि सरकार किसान की फसल खरीदे उचित दाम पे और छूट के ऊपर जनता को राशन दे, ये तमाम अमेरिका में भी करते हैं, तमाम जो विकसित देश भी करते हैं, हमारे देश में ये सरकार पिछले दिन 3 कृषि काली कानून आए थे, जिसमें ये शाइलो बने अदाणी के, और ये बाजार के हवाले करते जा रहे खाने पीने की चीजें जो आम लोगों के बाहर से होगी, किसान की भी लूट है और जनता की भी लूट है, और सरकार जिम्मेदार, सरकार की नीतियां जिम्मेदार। तो समाधान कैसे हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि ये जो कारपोरेट घरानों की सरकार है उसकी बजाय नीतियों को बदले जो जनता के हित की हो, जिसमें सबको खाने को अन्न मिले, सबकी शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले, सबको रहने का मकान मिले, और ये जो लूट और झूठ और फूट की जो राजनीति है ये बंद हो, और तमाम चीजें हैं जो बड़े बड़े अदाणी अंबानी को सब मैक में बेचे गए हैं, और अपनी ये ताम झाम पे जो पैसा खर्च करने की बजाय जनता की जन कल्याणकारी जन समस्याओं पे ये पैसा लगना चाहिए, ना कि अपना व्यक्तित्व चमकाने के लिए।